हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रिज रिग्रेशन पढ़ रहे हैं और हमने बहुत डिटेल में रिज रिग्रेशन पढ़ा और हम लोग आज एक लास्ट वीडियो पढ़ेंगे रिगार्डिंग रिज रिग्रेशन। ठीक है, सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फाइव की अंडरस्टैंडिंग्स दैट यू शुड टेक अवे फ्रॉम रिज रिग्रेशन। सो होता क्या है कि हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कोड कैसे करना है, साइकिटलर्न के कोड को कैसे यूज करना है, बट जो कोर रिजल्ट्स आपको लेने होते हैं, जो समझ आपको लेनी होती है, वो हम कई बार मिस कर जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, पांच पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा आपके साथ रिगार्डिंग रिज रिग्रेशन। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, आई डोंट थिंक उसके बाद आपको कभी भी कोई भी डाउट रहेगा रिज रिग्रेशन में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यू ऑलरेडी नो कि रिज रिग्रेशन का मतलब होता है आपके लॉस फंक्शन में कुछ ऐड कर देना। क्या ऐड करेंगे अभी भी डिस्कस करेंगे, और उस ऐड करने की वजह से, उस एडेड टर्म की वजह से रेगुलराइजेशन होता है। रेगुलराइजेशन होने का मतलब ओवरफिटिंग रिड्यूस होता है, आपके कोफिशिएंट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है। मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव करके भी दिखाया था कि ऐसा क्यों होता है। सो इन शॉर्ट दिस हैपेंस, ये आपका ओरिजिनल लॉस फंक्शन है और इसमें आप ये टर्म ऐड कर देते हो। दिस टर्म इज नथिंग बट लैम्डा डब्ल्यू वन स्क्वायर डब्ल्यू टू स्क्वायर डॉट 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 डब्ल्यू एन स्क्वायर। जितने आपके पास इनपुट कॉलम्स है उतने आपके कोफिशियंट होंगे, और ये टर्म, इसको आप श्रिंकेज कोफिशियंट भी बोलते हो, श्रिंकेज कोफिशियंट। इस टर्म के एड होने से आपके चेंजेस आने लग जाते हैं और आपका ओवरफिटिंग रिड्यूस होने लगता है। ये तो की अंडरस्टैंडिंग है इस बात का। ठीक है, अब एक बार मैं पांच चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं जो शायद मैंने पहले डिस्कस की है या नहीं डिस्कस की है, बट उनको अलग से एक बार डिस्कस करना जरूरी था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज कि रिज रिग्रेशन अप्लाई करने के बाद, इन सारे अंडरस्टैंडिंग्स को आप इंटरव्यू क्वेश्चन की तरह ले सकते हो। कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, दिस कुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ द कोफिशिएंट्स गेट अफेक्टेड। मतलब अगर आप रिज रिग्रेशन अप्लाई करते हो तो आपके जो सारे इनपुट कॉलम्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशियंट्स के ऊपर क्या असर पड़ता है जैसे जैसे आप लैम्डा का वैल्यू इंक्रीज करते जाते हो। सो लैम्डा एज यू नो कैन वेरी फ्रॉम जीरो टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो जीरो का मतलब है सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना। ठीक है, मतलब सोच के देखो, अगर आप यहाँ पे लैम्डा को जीरो कर दो तो रेगुलराइजेशन होगा ही नहीं और आप लीनियर रिग्रेशन के लिए काम करोगे। सो अगर आप लैम्डा को बढ़ाते जाते हो जीरो से बहुत बड़े नंबर तक, तो ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि आपके सारे कोफिशियंट जो हैं, आपके जो सारे कोफिशियंट हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। द आंसर इज सारे के सारे कोफिशियंट श्रिंक करते हैं, डिक्रीज करते हैं टूवर्ड्स जीरो। ठीक है, बट कभी भी जीरो नहीं होते। जीरो के बहुत क्लोज चला जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा। लेट मी शो यू दिस यूजिंग अ ग्राफ। सो मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है ऑन द लोड डायबिटीज डेटा सेट। सो मैंने पहले इसको इंपोर्ट किया और मैंने उससे एक डेटा फ्रेम बना लिया, और इस डेटा फ्रेम में यू कैन सी हमारे पास इतने इनपुट कॉलम्स हैं और ये हमारा टारगेट कॉलम है। सो मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया और फिर मैंने रिज रिग्रेशन अप्लाई किया इसके ऊपर फॉर फोर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। एक बार जीरो रख के, एक बार टेन रख के, एक बार हंड्रेड रख के, एक बार थाउजेंड रख के। सो मैंने ग्रेजुअली बढ़ाया लैम्डा का वैल्यू और हर बार कोफिशियंट्स का जो भी वैल्यू था उसको मैं स्टोर करते चला गया। ठीक है, और फिर मैंने उसको प्रिंट कराया using this graph, so you can see this is the output. अब आप बोलोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, सिमिलर ही तो आ रहा है। जैसे कि ये देखो, alpha is equal to zero पे अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ये जो स्केल है y का, जो स्केल है that is minus, that is 750 से लेके minus 750 तक, coefficients अभी 750 के रेंज में है। बट आपने जैसे ही उसको 0 से 10 किया, You can see आपका y एक्सिस श्रिंक करके 60 टू माइनस 40 के रेंज में आ गया और आपके सारे बार्स अब 60 से माइनस 40 के बीच में है। मतलब आपका कोफिशियंट श्रिंक कर रहा है। ठीक है, हमने उसको और ज्यादा श्रिंक किया 200, तो यू कैन सी अब वो 8
टू माइनस फोर के रेंज में आ गया, और फिर 100 से 1000 में 0.8 से माइनस 0.4 के रेंज में आ गया. सो जैसे आपने 1000 किया, यू कैन सी ऑल ऑफ दीज कोफिशियंट्स. ये सारे कोफिशियंट्स क्या है, ये हर बार एक पर्टिकुलर कोफिशियंट के बारे में बात कर रहा है. जैसे कि ये जो बार है पहला बार, ये एज के कोफिशियंट के बारे में बात कर रहा है. सेकेंड वाला बार सेक्स वाले कोफिशियंट के बारे में बात कर रहा है, एंड सो ऑन. ठीक है, एंड यू कैन सी ऑल ऑफ दीज कोफिशियंट्स आफ्टर द लैम्डा वैल्यू ऑफ 1000, दे आर वेरी क्लोज टू जीरो. वही मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपसे कोई भी पूछ ले इंटरव्यू में कि बताओ लैम्डा का वैल्यू बहुत बड़ा करने पे कोफिशियंट्स का क्या हाल होगा, आपका आंसर होना चाहिए वो सब के सब बहुत छोटे हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, और उनका वैल्यू विल बी वेरी क्लोज टू जीरो. बट जीरो नहीं होगा. ठीक है, इनमें से कोई भी टर्म जीरो नहीं हो रहा है. यू कैन सी कोई भी टर्म जीरो नहीं आ रहा. सेक्स वाला फिर भी थोड़ा सा क्लोज है, बट इट इज नॉट जीरो. रिज रिग्रेशन में आपको हमेशा याद रखना होता है कि जीरो नहीं होता है आपका कोफिशियंट्स का वैल्यू. सो दैट इज द फर्स्ट की अंडरस्टैंडिंग जो मैं चाहता हूं कि आप एकदम समझ जाओ रिगार्डिंग रिज रिग्रेशन. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन और द सेकेंड अंडरस्टैंडिंग. तो यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बड़े कोफिशियंट्स है, मान लो आपके पास x1, x2, x3 और y है, ये आपका डेटा है, और आपने जब इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन, नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया, तो आपको पता चला कि w1 का वैल्यू इज 1000, w2 का वैल्यू इज 10 एंड w3 का वैल्यू इज 1. इसका मतलब आपका y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x1 सबसे इंपॉर्टेंट है, w2 उससे कम इंपॉर्टेंट है, और x2 सबसे दूसरा सबसे कम इंपॉर्टेंट है, और x3 सबसे कम इंपॉर्टेंट है. अब क्वेश्चन ये है कि आप जब रिज रिग्रेशन अप्लाई करोगे और लैम्डा का वैल्यू आप बहुत बड़ा ले लोगे या बढ़ाते चले जाओगे टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो किस तरीके से ये सारे कोफिशियंट्स डिक्रीज करेंगे. ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कोफिशियंट बहुत ज्यादा है उसका क्या हाल होगा, अगर कोई कोफिशियंट बहुत कम है तो उसका क्या हाल होगा. सो इसका आंसर ये है कि जो कोफिशियंट जितना ज्यादा बड़ा होगा, जैसे कि यहां पे 1000 है, उसका और ज्यादा तेजी से वो डिक्रीज करता है. ये बात समझना, अगर आपका कोई पर्टिकुलर कोफिशियंट बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा इन कंपैरिजन टू वो कोफिशियंट जो उतना ज्यादा बड़ा नहीं है. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी. लेट मी शो यू अगेन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. सो मैंने फिर से कुछ अल्फाज ले लिए हैं 0 से लेकर के 10,000 तक, और मैंने फिर से सारे कोफिशियंट्स को मैं स्टोर कर रहा हूं सेम डेटा सेट पे. एंड यू कैन सी कि यहाँ पे जो भी कोफिशियंट्स बहुत बड़े थे, जैसे कि ये कोफिशियंट देखो 516, ये घट के 0.07 पे आ गया. ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे अल्फा वैल्यू मैं बढ़ाते जा रहा हूं, और हर पर्टिकुलर कोफिशियंट के साथ क्या हो रहा है वो मैंने डेटा फ्रेम में ऐड कर दिया है. सिमिलरली आप इस 561 को पकड़ो, ये भी बहुत नीचे जा रहा है. -895 को पकड़ो, ये भी बहुत नीचे जा रहा है. ठीक है, वेयर एज जो छोटे थे जैसे कि एज, वो ठीक ठाक है, मतलब उसमें उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, लेकिन जो बड़े थे उनमें बहुत स्ट्रांग डिक्रीज हुआ है. ठीक है, ये सेम इंफॉर्मेशन को आप एक ग्राफ के थ्रू भी कन्वे कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया भी है. लेट मी शो यू दैट ग्राफ. दिस इज द ग्राफ. यू कैन सी यहाँ पे कुछ कोफिशियंट हैं, जैसे कि ये येलो वाला कोफिशियंट है, ये है हमारा S5. ठीक है, S5 का इनिशियल वैल्यू कितना था, 861, काफी बड़ा था ये. और ये देखो कितना तेजी से यहाँ पे एक्स एक्सिस में लैम्डा है, जैसे जैसे लैम्डा का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो बहुत तेजी से ये कोफिशियंट नीचे गिरता है और बाकी सबके बराबर आ जाता है. सिमिलरली अगर आप ये पर्पल वाला पकड़ो, पर्पल वाला इज S1 जो कि नेगेटिव में बहुत ज्यादा है, -895, इसको भी अगर आप देखो तो ये बहुत तेजी से लैम्डा के साथ डिक्रीज होता है और ये ब्लैक लाइन की तरफ मूव करता है. ये ब्लैक लाइन क्या है, ये जो थिक ब्लैक लाइन है, ये जीरो वाला लाइन है, कोफिशियंट के जीरो होने वाला लाइन है. एंड यू कैन सी आपका कोई भी कोफिशियंट जीरो नहीं हो रहा है, सबके सब कन्वर्ज कर रहे हैं टुवर्ड्स जीरो, बट दे विल नेवर रीच द जीरो वाला लाइन, इट विल ऑलवेज बी क्लोजर टू जीरो. यू कैन सी यहां पे जब मैंने 10,000 के लिए लैम्डा अप्लाई किया, सभी वैल्यूज क्लोज टू जीरो हैं,
बट कोई भी जीरो नहीं हुआ। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला कि जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ाते हो आपके कोफिशियंट्स का वैल्यू डिक्रीज करके जीरो के पास जाता है, दूसरा जीरो नहीं होता है, और तीसरा जो वैल्यूज ज्यादा बड़ी होती हैं उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है रेगुलराइजेशन का इन कंपैरिजन टू दोज कोफिशियंट्स जिनका वैल्यू उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, आई गेस आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ रहे हैं। द नेक्स्ट की पॉइंट दैट वी विल डिस्कस इज कि रेगुलराइजेशन का बायस और वेरियंस के ऊपर क्या असर पड़ता है। हमने रेगुलराइजेशन स्टार्ट करने के पहले जो टॉपिक देखा था दैट वॉज बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ को इम्प्रूव करने के तीन टेक्निक्स यूज किए जाते हैं मशीन लर्निंग में, एंड वन ऑफ देम वॉज रेगुलराइजेशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इट शुड बी लाइक एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि रेगुलराइजेशन अप्लाई करने से बायस और वेरियंस में क्या होता है किसी मॉडल के। ठीक है, तो मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा। ये डायग्राम मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था रिज रिग्रेशन के, कि यहां पर एक नॉन लीनियर डेटा है जिसके ऊपर मैंने रेड कलर का, इफ यू कैन सी रेड कलर का एक मॉडल फिट किया है, और ये मॉडल का जो डिग्री है वो डिग्री 16 है, इट्स अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड यू कैन सी वो ट्राई कर रहा है बहुत हार्ड इस डेटा में हर पॉइंट से गुजरने का, मतलब ओवरफिटिंग का टेंडेंसी शो कर रहा है। ठीक है, ओवरफिटिंग है मतलब बायस लो है, मतलब ट्रेनिंग डेटा के ऊपर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वेरियंस इज हाई। अब आप जैसे जैसे अल्फा का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो मैंने और दो कर्व्स बनाए हैं। सो कर्व ग्रीन वाला जो है उसमें अल्फा का वैल्यू 20 है, एंड यू कैन सी बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू आपका मॉडल का जो टेंडेंसी था हर पॉइंट को टच करने का वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, और जो जनरलाइजेशन एरर है वो इम्प्रूव कर गया है। मतलब ऑल्दो ट्रेनिंग डेटा पे आप थोड़ी और ज्यादा गलतियां कर रहे हो, बट ऐसा करने की वजह से हो सकता है टेस्ट डेटा पे आपके रिजल्ट्स इंप्रूव कर जाए, मतलब वेरियंस रिड्यूस हो जाए। तो ग्रीन वाले केस में यू कैन क्लियरली से आपने थोड़ा सा बायस को बढ़ा दिया बट वेरियंस को घटा लिया। ठीक है, और वहीं पे लास्ट एक ब्लू कलर का लाइन है जहां पे अल्फा का वैल्यू बहुत हाई 200 है। यू कैन सी कि अब ये अंडरफिट करने लग गया, ये डेटा ये मॉडल थोड़ा अंडरफिट करने लग गया, जिसका मतलब है कि अब ना इसका रिजल्ट ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा आएगा ना टेस्ट डेटा पे अच्छा आएगा, एंड दिस इज द केस ऑफ अंडरफिटिंग, मतलब आपका बायस और वेरियंस दोनों हाई हो गया। ठीक है, सो इन शॉर्ट आइडिया ये होता है कि बायस और वेरियंस दोनों ही डिपेंड करते हैं आपके लैम्डा के वैल्यू के ऊपर। लैम्डा का वैल्यू अगर आप बहुत छोटा रखो, क्लोज टू जीरो, तो आपका बायस घट जाएगा बिकॉज आपका मॉडल जो है वो ओवरफिट कर रहा है, और आपका जो वेरियंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप लैम्डा का वैल्यू बहुत बढ़ा देते हो तो अब आपका मॉडल अंडरफिट करने की टेंडेंसी शो कर रहा है, तो बायस बढ़ जाएगा, अंडरफिटिंग होने लग जाएगा, नॉट एग्जैक्टली अंडरफिटिंग, बहुत बड़े वैल्यू के लिए अंडरफिटिंग होता है, और वेरियंस आपका डिक्रीज करने लग जाएगा। सो अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करो जहां पे एक्स एक्सिस में आपके पास लैम्डा है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और ये कोई बहुत बड़ा वैल्यू है मान लो 1000 का, तो अगर आप बायस की बात करो, जैसे जैसे आप बायस को मतलब जैसे जैसे आप लैम्डा को बढ़ाते जाओगे आपका जो बायस है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू के लिए बायस कम होगा, बट ग्रेजुअली आपका बायस विल इंप्रूव एज एन इंक्रीज। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा वेरियंस शो करेगा, मतलब बहुत छोटे वैल्यू के लिए वेरियंस हाई होगा और बहुत बड़ी वैल्यू के लिए वेरियंस लो होगा। दिस इज द कर्व, दिस इज द ग्राफ। ये सेम ग्राफ मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूं यूजिंग अ डेटा। सो मैंने ये कोड कर रखा है ऑलरेडी। यहां पर यू कैन सी मैंने भी एक नॉन लीनियर डेटा जनरेट किया। ये बिल्कुल वही नॉन लीनियर डेटा है जो मैंने आपको वहां पे दिखाया था, सेम टू सेम। इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया और फिर पॉलिनोमियल लिया मैंने डिग्री 15 का। 16 से बेटर रिजल्ट्स ग्राफ में 15 में आ रहे थे, इसलिए मैंने 15 लिया, और उसके बाद मैंने ये लाइब्रेरी यूज किया
टू कैलकुलेट बायस एंड वेरियंस। इस लाइब्रेरी का नाम है ML Extend, बहुत काम की लाइब्रेरी है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है बायस वेरियंस डीकॉम्प बोल के। ये फंक्शन क्या करता है, ये आपको किसी भी एक पर्टिकुलर लैम्डा वैल्यू के लिए बायस और वेरियंस कैलकुलेट करके देगा। सो मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग लैम्डा वैल्यूज ले लिए, 0 से लेके 30 के रेंज में 100 डिफरेंट वैल्यूज लिए, और मैंने एक लूप के अंदर ये सारा कैलकुलेशन किया, और हर बार जो बायस और वेरियंस आ रहा था उसको मैं लिस्ट में ऐड करता चला गया, और फिर मैंने जब उसको प्लॉट किया, यू कैन सी दिस इज द रिजल्ट। यहाँ पे जो आपका रेड कर्व है, ऑरेंज कर्व है, वो बायस है। सो यू कैन सी बहुत छोटी वैल्यू के लिए बायस कम था। ये ग्राफ देखो, ये मैंने बोला था बायस का कर्व है, कि बहुत छोटी वैल्यू के लिए बायस कम है और बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू के लिए लैम्डा के बायस बहुत ज्यादा हो गया। सेम यहाँ पे आपको ये सेम चीज दिखाई दे रहा है। और वेरियंस का अगर आप देखो तो बहुत छोटी वैल्यू के लिए वेरियंस बहुत हाई था, बट जैसे जैसे आपने लैम्डा या अल्फा का वैल्यू बढ़ाया तो वेरियंस घटने चला गया, लाइक दिस। ठीक है, और आपका जो जनरलाइजेशन एरर होता है वो हमेशा इन दोनों का सम होता है, तो वो ऊपर कहीं पे फ्लोट करता रहेगा, जैसे कि ये ब्लू वाला टर्म कर रहा है। ठीक है, सो अगर आपसे कोई भी पूछे रिगार्डिंग बायस एंड वेरियंस रेगुलराइजेशन के सिनेरियो में, तो आपको बस ये डायग्राम याद रखना है कि बहुत छोटी वैल्यूज ऑफ अल्फा के लिए क्या होगा, लैम्डा के लिए क्या होगा, और बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए क्या होगा। अगर ये ग्राफ आपको याद है, ट्रस्ट में आप कभी भी गलती नहीं करोगे बायस वेरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस में। ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार जाकर के ये कोड खुद से रन करके देखो, बहुत ही प्यारी सी एक लाइब्रेरी का फंक्शन है, तुरंत आप सीख जाओगे। इनफैक्ट ये इतना सिंपल है कि आप इसको स्क्रैच से खुद भी लिख सकते हो, मैं एक वीडियो में आपको ये दिखा भी दूंगा। बट या दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड दिस एंटायर थिंग। एक चीज और, इस ग्राफ को देख करके ही आपको समझ में आएगा कि अल्फा या लैम्डा जो भी बोल लो उसका एप्रोप्रिएट वैल्यू क्या होना चाहिए, राइट, कितना ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि इस ग्राफ का एग्जांपल आप लो, तो इस ग्राफ में यू कैन क्लियरली सी कि हमें सी दिस इज द पॉइंट वेयर बोथ ऑफ दीज कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग, राइट। हमें ऐसा वैल्यू चाहिए होता है लैम्डा का जिसके लिए बायस भी कम हो और वेरियंस भी कम हो। ठीक है, सो टेक्निकली आपको यहां से इस जोन से लेकर के इस जोन के बीच में कुछ लेना चाहिए, क्योंकि जनरली आप बायस को और थोड़ा कम रखना चाहते हो, कीपिंग वेरियंस लो एज वेल। सो वो यही रीजन है जहां पे वेरियंस भी काफी पास से गुजर रहा है बायस के, और बायस का वैल्यू अभी भी कम है। सो टेक्निकली ये जो भी वैल्यू है, इस वैल्यू पे हमें सबसे अच्छे रिजल्ट आएंगे लैम्डा के। ठीक है, सो हमेशा याद रखना जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके थोड़ा पहले का पॉइंट, जहां पे बायस थोड़ा नीचे है, वेरियंस आसपास है, ऐसा पॉइंट आपको चूज करना पड़ता है इन दिस कर्व। ठीक है, तो ये कर्व उस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि लैम्डा का क्या इंपैक्ट होता है ऑन योर लॉस फंक्शन। सो आपको पता है रेगुलराइजेशन लगाने के बाद, रिज रिग्रेशन अप्लाई करने के बाद, आपका जो लॉस फंक्शन है वो ये बन जाता है। कई बार देख चुके हैं हम, दिस इज द लॉस फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग रेगुलराइजेशन। सो अब क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे आप ये लैम्डा को बढ़ाते हो, इस लॉस फंक्शन के साथ क्या होता है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, सो हम सिंपल तरीके से इसको पढ़ने का ट्राई करते हैं। तो मैं एक केस ले रहा हूं जहां पे सिर्फ एक इनपुट कॉलम है और एक आउटपुट कॉलम है, मतलब आपको दो कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं m और b। इसमें भी मैं मान लेता हूं कि b इज कांस्टेंट, b का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, तो m सिर्फ वेरी कर रहा है। इसका मतलब आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज दिस, और यहाँ पे मान लेते हैं b का कुछ भी वैल्यू है, मान लो b का वैल्यू जीरो है, लेट्स से कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है, हमने मान लिया जीरो है, तो ये बन जाएगा m xi का स्क्वायर लैम्डा m स्क्वायर। सो यू कैन सी ये जो l है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ m, यहाँ पे बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, yi डेटा में है, xi डेटा में है, सिर्फ m का वैल्यू बढ़ घट सकता है और लैम्डा को भी आपको ट्यून करना है। सो हमें क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है जहां पे हम यहाँ पे L रखेंगे और यहाँ पे M रखेंगे,
और फिर हम लोग एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर हम लैम्डा का वैल्यू चेंज करेंगे, हम फिर से ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम फिर से लैम्डा का वैल्यू चेंज करेंगे, हम फिर से ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ऐसा करने से हमें समझ में आएगा कि लॉस फंक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है लैम्डा की वैल्यूज का। ठीक है, मैंने ये ग्राफ बना रखा है ऑलरेडी एंड द रिजल्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुड शो यू, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई जस्ट मूव दिस मार्कर टू दिस साइड ऑफ द पेज एंड लेट्स मूव दिस ओवर हियर। ठीक है, सो हमने एग्जैक्टली सेम काम किया, हमने ये एक डेटा सेट जनरेट किया, इस डेटा सेट के साथ हम कई दिनों से काम कर रहे हैं, 1D डेटा सेट एज इन 2D डेटा सेट, और इसके ऊपर मैंने साथ ही साथ लीनियर रिग्रेशन अप्लाई भी कर दिया सो दैट मुझे सही वैल्यूज पता भी चल जाए M और B का। सो क्लियरली इस डेटा सेट के केस में M का वैल्यू शुड बी समवेयर नियर टू 27 एंड इंटरसेप्ट का वैल्यू मुझे पता है -2.29। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया, यहां पर जिस तरीके से मैंने B को कांस्टेंट मान लिया था विद अ वैल्यू ऑफ 0, अब मैंने B को वैल्यू मान लिया है -2.29। ठीक है, बट B इज कांस्टेंट, B वेरी नहीं कर रहा, M वेरी कर रहा है, और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट लॉस, जिसको अगर आप एक M और अल्फा दो तो वो लॉस कैलकुलेट करके आपको देगा बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला इसके बेसिस पे, और फिर प्रिडिक्ट बोल के भी मैंने एक बनाया, और ये ग्राफ मेन है, आप इस कोड को आराम से बैठ करके समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। मैंने बेसिकली अलग अलग लैम्डा वैल्यूज के लिए बार बार एल और एम का इक्वेशन को प्लॉट किया। ठीक है, सो यू कैन सी जब पहली बार लैम्डा का वैल्यू 0 था तो जो ग्राफ प्रिंट हुआ वो ये ब्लू वाला है, दिस ब्लू वन इज द ग्राफ व्हेन लैम्डाज वैल्यू वाज, जस्ट गिव मी वन मिनट, जब लैम्डा का वैल्यू, यहां पे यू कैन सी लैम्डा या अल्फा सेम चीज है, अल्फा का वैल्यू जब 0 था उस टाइम पे ये ब्लू कर्व है, एंड यू कैन सी इसका जो मिनिमा है ये यहां पे 27 के पास है, ऑब्वियसली यहां पे एक्स एक्सिस पे आपका यहां पे गलत लिखा है, दिस इज नॉट अल्फा, दिस हैज टू बी एम, ये जो ग्राफ है ये लॉस और एम के बीच में है, सो यू कैन सी आपका जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू 0 वाले केस में, ब्लू वाले ग्राफ में, दैट इज समवेयर क्लोज टू 27 के आसपास आ रहा है, फिर हमने लैम्डा को थोड़ा सा बढ़ा के 10 कर दिया, तो अब यू कैन सी ये ग्राफ ऑरेंज वाला है, ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, थोड़ा सा ऊपर उठ गया और थोड़ा सा पतला हो गया, और अब जो आपका मिनिमम वैल्यू है वो थोड़ा सा शिफ्ट करके 0 की तरफ बढ़ रहा है, एम का जो मिनिमम वैल्यू है, जो सॉल्यूशन है आपका, वो शिफ्ट करके मिनिमम की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो, देखो ग्रीन वाला कर्व इज फॉर अल्फा इक्वल टू 20, थोड़ा सा और शिफ्ट हो गया और आप इस तरफ आ गए, और ऐसा करते 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 जब आपने अल्फा का वैल्यू 100 किया, ये रहा ग्राफ एकदम ही ऊपर चला गया और ये रहा इसका वैल्यू बहुत क्लोज टू 0। ठीक है, सो आई गेस ये चीज देख के आपको समझ में आएगा और थोड़े इंट्यूटिव लेवल पे कि क्यों जब आप लैम्डा का वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो आपके कोफिशियंट्स का वैल्यू डिक्रीज होते होते 0 के पास पहुंचता है, क्योंकि एक्चुअली आपका जो लॉस फंक्शन है वो धीरे धीरे उठ के ओरिजिन की साइड मूव करने लगता है और थोड़ा सा श्रिंक करने लगता है। पहले अगर आपका लॉस फंक्शन ऐसा था तो लैम्डा का वैल्यू बढ़ाने से थोड़ा थोड़ा श्रिंक कर रहा है और धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है इस तरीके से और आपका 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर ये सेम केस आप 3D में देखना चाहो, जब आपके पास दो अलग अलग कोफिशियंट्स हैं तो वो एनिमेशन के थ्रू आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, सो आई विल जस्ट क्लियर आउट दिस एंटायर थिंग, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन होगा। सो यू कैन सी यहाँ पे दो कोफिशियंट्स के ऊपर हमने ये लॉस फंक्शन को प्लॉट किया, β1 एंड β2, एंड यू कैन सी धीरे धीरे आपका लॉस फंक्शन है वो उठ करके टूवर्ड्स सेंटर जा रहा है इस पॉइंट पे, जो जहां पे ओरिजिन है, दोनों पॉइंट्स जहां पे 0 हो रहे हैं ये उस तरफ मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब आपका लॉस फंक्शन खिसक के उस तरफ जाएगा तो आपके कोफिशियंट्स का वैल्यू भी चेंज होना ही है। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंट्यूशन है, ये इंट्यूशन एक्सप्लेन करता है कि क्यों आपके कोफिशियंट्स का वैल्यू रिड्यूस होते 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 0 की तरफ पहुंच जाता है, और 1D और 2D दोनों में मैंने आपको दिखा दिया विजुअली कि क्या हो रहा है। अब एक बार आई वुड रिकमेंड, एक बार इस कोड को आप खुद से चला के देखो, बहुत डिफिकल्ट कोड नहीं है, सिंपल दो लूप्स चलाए हमने
और लॉस वैल्यू कैलकुलेट किया, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल. बट द इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे लॉस फंक्शन चेंज होता है लैम्डा या फिर अल्फा, जो भी बोल लो, उसके वैल्यूज को चेंज करने पर. ठीक है, सो दैट्स इट, दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट. द लास्ट की पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअली इंटरव्यूज में कि रिज रिग्रेशन को रिज का नाम क्यों दिया गया. ठीक है, तो ऑनेस्टली इसका आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है. इसके लिए हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, हार्ड कंस्ट्रेंट रिज रिग्रेशन. सो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे दैट वॉज सॉफ्ट कंस्ट्रेंट रिज रिग्रेशन. हमें ये नई चीज पढ़नी पड़ेगी और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो आई एम प्लानिंग इसके लिए मैं एक अलग वीडियो शूट कर लूंगा. बट फॉर नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू एन इंट्यूशन कि क्यों रिज बोला जाता है. सी, रिज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस चीज का आंसर इस डायग्राम में छुपा हुआ है. ठीक है, सो अगर आपको पता होगा, मतलब हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया कि हमारा जो लॉस फंक्शन होता है रिज रिग्रेशन का, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, MSE बेसिकली yi माइनस yi हैट का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स दिस. ठीक है, तो अगर आप इसको अलग फंक्शन मानो और इसको अलग फंक्शन मानो, और लेट्स अज्यूम कि हमारे पास दो कोफिशियंट्स हैं, ठीक है, बीटा वन एंड बीटा टू, तो इस पूरी चीज को आप कैसे रीराइट कर सकते हो, इस इक्वेशन को आप ऐसे रीराइट कर सकते हो कि सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन वाई आई माइनस, एक्चुअली तीन कोफिशियंट होंगे, बीटा नॉट भी होगा, इंटरसेप्ट टर्म भी होगा, सो इट वुड बिकम बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई वन प्लस बीटा टू एक्स आई टू. ये बन जाएगा आपका एमएससी वाला टर्म. ठीक है, एमएससी वाला टर्म, और यहां पे आ जाएगा आपका लैम्डा टाइम्स बीटा वन का स्क्वायर बीटा टू का स्क्वायर. ठीक है, दिस विल बी द सेकेंड टर्म, ये वाला. ठीक है, सो अगर हम इनको अलग अलग प्लॉट करें तो ये जो इक्वेशन है, दिस सर्कल कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस टर्म फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस रेडियस. रेडियस का वैल्यू आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के थ्रू निकालना होता है, और ये जो है ये आपका लॉस फंक्शन का कॉन्टूर प्लॉट है. पहले 3D में बनाया, उसको 2D में प्रोजेक्ट कर दिया. अब आपको क्या करना है, आपको अगर रेगुलराइजेशन आपने नहीं लगाया होता तो आपका सॉल्यूशन ये होता, ये जो पॉइंट है OLS एस्टिमेट इसको बोला जा रहा है, क्योंकि यहीं पर आपका लॉस फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले रहा है बीटा वन और बीटा टू के लिए. ठीक है, बट सिंस अब आपको दोनों टर्म्स को मिनिमाइज करना है, आपको इस टर्म को भी मिनिमाइज करना है, तो आपको इसके लिए भी सॉल्यूशन निकालना है, तो आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो इन दोनों की बाउंड्री पे कहीं पे निकलेगा. सो डिपेंडिंग ऑन योर लॉस फंक्शन, ये सर्कल हमेशा ऐसा ही रहेगा, आपका जब भी सॉल्यूशन निकलेगा वो इस सर्कल के पेरीमीटर पे ही निकलेगा, और हमेशा वो सॉल्यूशन होगा जो नियरेस्ट होगा इस सॉल्यूशन के. ठीक है, सिंस आपका सॉल्यूशन हमेशा इस सर्कल के पेरीफेरी पे निकल रहा है, पेरीमीटर पे निकल रहा है, या रिज पे निकल रहा है, दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ रेगुलराइजेशन टेक्निक इज नोन एज रिज रिग्रेशन. यही इसका रीजन है, बट इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. आई नो अभी थोड़ा सा आपको डाउट्स रह गए होंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ, ये सर्कल कैसे बना और इसका रेडियस कितना होगा, ये सब पॉइंट्स हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट ये प्लॉट भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनता है, बट फॉर नाउ ये समझ लो कि बिकॉज आपका सॉल्यूशन हमेशा इस सर्कल के पेरीमीटर पे लाई कर रहा है, बाउंड्री पे लाई कर रहा है, रिज पे लाई कर रहा है, दैट इज व्हाई इस रिग्रेशन टेक्निक को हम रिज रिग्रेशन बोलते हैं. ठीक है, तो दोज आर द फाइव पॉइंट्स जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करने थे. अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, इनफैक्ट जस्ट एक प्रैक्टिकल टिप, आपको मोस्टली रिज रिग्रेशन तब अप्लाई करना चाहिए जब आपके पास नंबर ऑफ इनपुट कॉलम्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू. दो या दो से ज्यादा के केस में ही रिज रिग्रेशन अप्लाई करना चाहिए. सिर्फ एक इनपुट है और एक आउटपुट है, इस केस में रिज रिग्रेशन उतना यूजफुल नहीं होता है. ठीक है, सो जितना ज्यादा आपके पास इनपुट
कॉलम्स हैं उतने ज्यादा आपके कोफिशियंट्स होंगे, और उतने ही ज्यादा कोफिशियंट्स को आपको रेगुलराइज करना होगा, तो आपको रिज रिग्रेशन काम आएगा, बहुत कम में उतना यूजफुल नहीं रहता। ठीक है, तो दैट्स इट, काफी चीज पढ़ी हमने। एक और चीज पढ़ेंगे, हार्ड कंस्ट्रेंट वाला प्रॉब्लम, वो फ्यूचर में मैं वीडियो को ऐड कर दूंगा इस प्लेलिस्ट में। बट नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन टू लासो रिग्रेशन, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।